नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठकसर में। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है 12th क्लास अकाउंट्स के लिए, सेम टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट से ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये थर्ड वीडियो मैं आपको क्लियर करूंगा, इस वीडियो में डिफिकल्टी लेवल जो है टॉप मोस्ट चली जाएगी और बड़े ध्यान से साथ साथ करते जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्योंकि अब 3 क्वेश्चन हम करेंगे तो वीडियो लंबी होगी, ये डेफिनेट है, तो हम जितना समय बचा सके उतना अच्छी बात है। तो पहला 61 क्वेश्चन है, ऑन 31st मार्च, ध्यान से देखते जाना, यहीं पर ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ऑन 31st मार्च कैपिटल्स दे रखी है एल्विन की, मोनू और अहमद, ठीक है। इनकी कैपिटल्स है 80,000, 60,000 और 40,000। फिर क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, यह पाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड, यह पाया गया, यह डिस्कवर हुआ दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड, यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी भूल गया, दोनों चीजें भूल गया वो। पार्टनर्स वर एंटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। उसके बाद ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स दे रखी है आपको, ड्रॉइंग्स उसकी रही ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स वर एल्विन की थी 20,000 और मोनू की थी 15,000 और अहमद की थी 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्जेबल टू पार्टनर्स वास निकाल के दिया है उसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको, यानी कि निकालना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वही आपकी 500 एलवी की, 360 मोनू की और 200 अहमद की। कहता है नेट प्रॉफिट जो साल का रहा 1,20,000 रहा, नेट प्रॉफिट जो साल का रहा आपका वो रहा 120। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वर 3:1, इनके बीच में जो शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:1। आपने क्या करना है, एरर्स ऑफ ओमिशन हुई इस सवाल में तो वो कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि यहां पर एक चीज भूल गया, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली बात ये देखी आपने। दूसरी जो ट्विस्ट था वो ये था कि यहां पर आपको कैपिटल्स जो है वो 31 मार्च को दी गई, यानी कि ये कैपिटल्स जो है आपकी ये क्लोजिंग है, साल खत्म होने के समय है, ठीक है। 31 मार्च 2018 की है ये वाली कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना होता है वो ओपनिंग कैपिटल पर, यानी कि जो साल के स्टार्टिंग में कैपिटल होती है, वर्ष के स्टार्टिंग में कैपिटल होती है, उस पर लगाना होता है ना। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्या करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाओगे। तो चलिए पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाते हैं। यहां लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एल्विन मोनू और अहमद, इनकी कैपिटल थी
और 31 मार्च 2018 क्लोजिंग टाइम में कैपिटल थी 80,000, 60,000 और 40,000। ये दो चीजें तो वो भूल ही गया। इसके अलावा एक तो नेट प्रॉफिट था जो उसने बांट दिया होगा, यानी कि नेट प्रॉफिट बांटने के बाद की कैपिटल्स है, और दूसरा इन ड्रॉइंग्स को उसने माइनस कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है जो ओपनिंग कैपिटल होती है हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं और ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं, तब जाके हमारी क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है, जो कि इस समय आपके पास मौजूद है। ये वाली कैपिटल आपको दे रही है। आपको निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग, है ना। ड्रॉइंग्स को वापस क्या करना पड़ेगा, जो ड्रॉइंग्स हम माइनस कर चुके हैं उसको वापस ऐड करना होगा, और जो प्रॉफिट हम प्लस कर चुके हैं उसको वापस माइनस करना होगा। चले करें करते हैं ऐड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं। ड्रॉइंग्स कितनी है, एल्विन ने की 20,000, मोनू ने की 15,000 और अहमद ने की 49,000। एलविन की 20, मोनू की 15, अहमद की 9,000 ड्रॉइंग्स आपको दी है। इसको ऐड करेंगे कितना आ गया, 1,75,000 और 49,000, ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉफिट्स को क्या करना है, लेस करना है। प्रॉफिट कितना था, 21, किस रेशो में बटा होगा, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 6, 12, 20,000 × 3, 60,000 इसके पास, 20 × 40 यहां, 20 × 1 यहां पर, ये क्या हो गया, लेस करेंगे इसको प्रॉफिट को, क्या जाएगा, 40,000, 35,000 और 29,000। ये क्या आ गया आपकी ओपनिंग कैपिटल, कब की, 1 अप्रैल 2017, ठीक है। बात अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यहां लगा के दिखा देते हैं साथ साथ, इंटरेस्ट और कैपिटल कितना है, 5%, 40,000 का 5% हो गया आपका 2,000, ठीक है। 35,000 का 5% हो जाएगा आपका 1,750 और 29,000 का आपका 5% हो जाएगा 1,450। 5% निकाल दिया मैंने ये, ठीक है। ये आप अलग करना चाहो तो अलग भी कर सकते। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट शोइंग टेबल जो हम बनाते थे वही बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे लिए सवाल जो है आसान हो गया, बड़ा आसान सम हो गया ना, पर्टिकुलर्स एल्विन मोनू अहमद फर्म, ठीक है। क्या क्या किया था, क्या क्या ओमिट किया था उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है आपको पता है, फर्म पार्टनर को देती है, यानी कि फर्म के पास से कितने रुपए जाएंगे, 2,017,2,750 2,800 4,3,500 रुपए जो है आपके पास से टोटल फर्म के पास से जा रहे हैं, यानी कि माइनस होंगे। और एलविन के पास कितने आए, 2,000 यहां से, 1,750 मोनू के पास,
और 1427 अहमद के पास, इनके पास आ रहे हैं, वो प्लस करें। उसके बाद दूसरी चीज जो वो भूल गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पता है कौन किसको देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देते हैं पार्टनर्स किसको? फर्म को देते हैं। पार्टनर्स ने देनी है फर्म को, यानी कि पार्टनर से माइनस होगी, फर्म से प्लस होगी। बड़ी आसान बात, लंबी जोड़ी बात है। कितनी थी निकाल के आपको दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? एडविन की थी 500, मोनू के कितने थे 360 और अहमद के कितने थे 200। 500, 300, 800, 200, 1000, 1000, 60 रुपए यहां प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नेट ऑफ कितना देना है इनको? 1500 रुपए तो एलविन को देने हैं। 0, 15 में 6 गए 9, 4 में से 3 गए 1, सॉरी 6 में से 3 गए 3, 1390 और 1450 में से 200 गए 1250, 1060 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 0, 10 में 6 गए 4 और 1, 4140 रुपए क्या आ गया? ये प्लस का आया, सॉरी माइनस का, ठीक है ना? 5200 रुपए माइनस का था, प्लस का 1060 था। माइनस 4140 फर्म के पास है, जो कि अब किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। तो करते हैं डिविजन ऑफ 4140 इन 3-2-1। 4140 को 3-2-1 में बांटोगे कितना आ जाएगा? वो कैलकुलेट करने पर आएगा 2070, 1380 और 690। 690 यहां 4140 माइनस का था, तो कहां से माइनस का था ना, तो ये माइनस के रहेंगे यहां, और यहां किसका आ जाएगा? प्लस का। जैसे कि मैंने बताया यहां क्या रहता है? हमेशा नील, क्योंकि माइनस का लॉस आया था, लॉस को हमने डिवाइड किया, तो ये माइनस का रहेगा पार्टनर्स के पास, फर्म के पास प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो रह जाएगा लास्ट में। तो 1500 माइनस 2070 माइनस के थे, तो कितना आ गया? माइनस के 570 रुपए आए। यहां 1380 माइनस के थे, प्लस के 10 रुपए आए। 1250 प्लस के 690 माइनस के, तो प्लस के आ जाएंगे 560। अब जो प्लस के आए हैं उन्हें क्रेडिट लिखो, बता रखा है मैंने, और जो माइनस के आए उनको डेबिट लिखो। जो प्लस का आया वो क्रेडिट, किसका? रीजन, क्योंकि जब कैपिटल बढ़ती है तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो, प्लस करते हो तो क्रेडिट साइड लिखते हो, और जब कैपिटल घटती है तो आप डेबिट साइड लिखते हो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? जनरल एंट्री, बड़ी आसान हो जाएगी अब आपके लिए, सब कुछ आपका तैयार हो गया। क्या हुआ जनरल एंट्री? करके दिखा देते हैं जनरल एंट्री। डेबिट वाला कौन है? एलविन। क्या एंट्री हो जाएगी? एलविन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूस कैपिटल अकाउंट टू अहमद कैपिटल अकाउंट। एलविन का कितना था? 570, 10 और 560। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री बहुत आसान है। अब इसी से अगला क्वेश्चन है 62। दोनों में डिफरेंस समझ लेना है क्या है। सिक्सटी टू
क्वेश्चन सेम है, उसने सिर्फ एक बात कही और उससे कितना चेंज आया वो देखने की बात है। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन सेम है और उसने एक बात कही, उससे कितना चेंज आया ये देखने की बात। उसने जो कहा वो समझिएगा, उसने कहा इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, बाकी क्वेश्चन सेम है, एक लाइन आपको मिली कि यदि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, इसका मतलब जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल हर साल सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट वगैरह हम ऐड करने के लिए करंट अकाउंट में चले जाते हैं और ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट से माइनस होती है, तो ये फिक्स रहती है, तो इसका मतलब यही क्लोजिंग कैपिटल है और यही क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये काम आपको नहीं करना उस केस में। उस केस में होगा क्या, उस केस में बहुत आसान चीज रहेगी आपके लिए, सिंपल, जो कैपिटल उसने दे रखी है 80,000, 60,000 और 40,000, ठीक है, इसको दोबारा करवा लेता हूं मैं यहां, एक बार और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो क्या कहा उसने कि कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड है, कैपिटल्स चेंज नहीं होती, ऐसा उसने कहा। एल्विन, मोनू, अहमद, फर्म, जब ऐसा कहता है तो एक बात आपके माइंड में तुरंत स्ट्रक करनी चाहिए, तुरंत जानी चाहिए कि कैपिटल साल बदलते रहेंगे लेकिन कैपिटल फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ज्यादा के आने वाले नहीं जब तक वो और नहीं लगाता या अपनी मर्जी से निकाल नहीं लेता। तो इस कैपिटल को ही आप ओपनिंग कैपिटल मानेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है पार्टनर्स में, माइनस होता फर्म में, क्योंकि फर्म किसको देती है, पार्टनर्स को देती है, 80,000 का 5%, 4,000, 60,000 का 5%, 3,000 और 40,000 का 5%, 2,000, 4,3,7,2,9,2,000 रुपए फर्म से माइनस। और क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गया, बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन देता है, पार्टनर देता है, पार्टनर से माइनस करो और फर्म को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसने आपको खुद निकाल के देता था 500, 360 और 200, कितना हो गया 1,060 रुपए, कितना आया प्लस के 3,500 रुपए, यहां आ गया प्लस के 2,640, यहां आ गया आपका प्लस के 1,800, यहां प्लस का 1,060 है, माइनस के 9,000 है, तो आप सीधे सीधे से क्या आ जाएगा 7,940 रुपए इसके माइनस के। तो ये 7,940 जो है वो आपने डिवाइड करने हैं 3, 2, 1 में, ठीक है, जो रेशियो दे रखी है 7,940 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3,970, 3,970 माइनस का था ना, तो यहां माइनस, और ये आएगा आपका यहां 2,647, 2,647 और यहां आएगा माइनस का 1,323, 1,323, ठीक है, और इधर 7,940 प्लस का, क्योंकि यहां ये माइनस का रहेगा तो यहां प्लस का आएगा तभी नील होगा,
यहाँ क्या आ जाएगा बैलेंस आपका नील आ जाएगा 470 रुपए माइनस के 7 रुपए माइनस के क्योंकि 2647 था और यहाँ क्या आ जाएगा 1800 माइनस 1323 470 रुपए प्लस के, जो प्लस का आया वो क्रेडिट, जो माइनस का आया वो डेबिट। ठीक है, सेम वही काम किया है, कुछ नहीं चेंज किया, केवल कैपिटल चेंज हो जो सेम रही, इस कारण हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जो भी चेंज आया उसी के कारण आया, बाकी सारा प्रोसीजर सेम था। जनरल क्या हो जाएगी, अब जब कैपिटल फिक्स होती है आप सभी को पता है तो करंट अकाउंट से ट्रीट करते हैं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एलविंस करंट अकाउंट डेबिट, एलविंस करंट अकाउंट डेबिट, मोनोस करंट अकाउंट डेबिट टू एमएक्स करंट अकाउंट। ठीक है, कितना 470 सात रुपए और 470 रुपए 477। ये था आज का दूसरा सवाल, मैंने कहा था तीन करवाऊंगा, एक और सब करना है आज हमने, और वो ध्यान से करना है। ठीक है, लास्ट सब रहेगा वो पास्ट एडजस्टमेंट का जो मैं करवा रहा हूं, उसके बाद आपने बाकी सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर है वो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 66। बड़े ध्यान से सीखने की चीज है वो क्वेश्चन, इलस्ट नंबर 66 क्या कहता है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में आपको 67 करते हुए, 67 थोड़ा और मुश्किल है इससे, 67 है एक बैलेंस शीट दी मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस में जब बैलेंस शीट दी होती है तो बड़े ध्यान से काम करना होता है। कहा ए और बी की बैलेंस शीट है आपके पास, बैलेंस शीट मैं पूरी की पूरी योग्यों बना देता हूं बोर्ड पे। क्या कहा, ए की कैपिटल है 1,00,000, ए इज कैपिटल 1,00,000, बी इज कैपिटल 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000, टोटल 2,10,000, 2,10,000 ये 2018-19 का ही दे रखा है, बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2019। क्वेश्चन समझना जरूरी है, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर तभी आप निकाल पाओगे। आंसर निकालना आसान है, क्वेश्चन समझने में जितनी दिक्कत आनी है वही परेशानी है। ड्रॉइंग्स ए की ड्रॉइंग दे रखी है 18,000। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ए की ड्रॉइंग थी 18,000 और बी की ड्रॉइंग थी 12,000। ठीक है, ए की कितनी थी 18 और बी की कितनी थी 12,000, प्रॉफिट था आपका 58,000 18-19 का। अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की
और उसी का हमने क्या करना है, प्रॉब्लम उसी में आई है। 31 मार्च 2019 के जो खाते बंद किए उसी में कुछ ओमिशन हुआ है, कुछ चीजें भूल गए हैं। ठीक है, भूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना भूला है। सिर्फ एक ही चीज भूला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% नहीं लगा पाया। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, यानी कि प्रॉब्लम यहां क्या है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आपको अगर जो तो पिछले क्वेश्चन में सीख ली, लेकिन यहां पर कुछ समस्याएं और हैं। देखिए, जैसे प्रॉफिट था 58,000 में से 30,000 तो अलग से लिख रखा है उसने, और 28,000 रुपए इसमें बांट के दिखा रखा है। ठीक है, जब यहां पर 58 है 30 अलग से लिख रखा है, यानी कि बाहर वाली चीजें ऊपर एडजस्ट कर रखी है, कुछ और कुछ छोड़ रखी है। ऐसे ही ड्रॉइंग 18,000 रुपए अंदर है, अलग से दिखा रखी है, जो कि इसमें से माइनस नहीं, अगर माइनस हो रखी होती तो ये यहां नहीं दिखाता, लेकिन ये 12,000 अंदर नहीं दिखाई, इसका मतलब इसमें से ये 12,000 रुपए माइनस है। पहली बात तो क्या पता लगा, 58,000 प्रॉफिट था, प्रॉफिट दिखा रखा है 30,000, यानी कि कुछ प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर रखा है। ठीक है, और यदि 30,000 होता ना, या फिर हम समझ लेते पूरा का पूरा अलग रखा है। दूसरा, ए की कैपिटल तो अलग दिखा रखी है जिसमें से माइनस नहीं कर रखी, बी की कैपिटल जो है हमें, सॉरी बी की ड्रॉइंग जो है वो हमें अंदर नहीं दे रखी, इसका मतलब बी की ड्रॉइंग यहां से क्या हो रखी है, माइनस हो रखी है। ठीक हो गई बात, तो हम निकालते हैं यहां से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, टेबल बनाते हैं। ठीक है, ए और बी, ए बी कैपिटल एट 31 मार्च 2019 कितनी है, 1,00,000 और 30,000। ठीक है, ड्रॉइंग्स आपको पता है हम ऐड करते हैं, ऐड ड्रॉइंग्स पिछले सवाल में बताई थी कैसे होती है, ऐड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को ऐड करना है, लेकिन ए की ड्रॉइंग्स इसमें माइनस ही नहीं है, अगर माइनस होती तो यहां नहीं लिखा होता। ठीक है ना, अब यहां अलग से लिख रखा है बैलेंस शीट के अंदर ही, तो इसका मतलब ये यहां से माइनस नहीं है, तो 18,000 नहीं दिखा रहे, बी की ड्रॉइंग बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये माइनस कर रखी है, तो 12,000 रुपए यहां ऐड करेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, 1,00,000 और यहां क्या है 42,000। उसके बाद प्रॉफिट्स को लेस करना है, प्रॉफिट में से भी कुछ पार्ट तो दिखा रखा है जो कि इसमें ऐड नहीं है, अगर ऐड होता तो ये यहां नहीं दिखाता। अब 30,000 तो आपका अलग से, यानी कि कितना बांटा उसने, 58,000 में से 30,000 तो रख लिया, 28,000 रुपए उसने क्या किया है, बांटा है, किसमें बांटा है, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो हमें पता है अगर ना दे रखी हो तो इक्वल रेशियो में बांटते, तो 14,000 यहां और 14,000 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा, 1,00,000 माइनस 14 86 और 42 माइनस 14 12 में से 4 गए 8 3 में से 1 गया 48,000 रुपए यहां ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए उसने बोला है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% 86,000 का 5% निकल जाएगा आपका 4,300, 86,000 का 5% 4,300 4,300, बी का 48,000 का 5% 5,00,000 5,40,000 5,20,000 2,400। ये
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने तक का ही हमें दिया गया है। अगर भूल जाता है तो आपको पता है आप क्या करना है, इसको प्लस कर देता हूं, वो भी मैं काम ए बी फर्म पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये भूल गया किसको देना है, फर्म को देना है, किसे देना है, ए और बी को, 4300 और 2400 कितना आ गया 6700, ठीक है। और 6700 डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ 6700 इन इक्वल रेशियो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 × 10 3350 माइनस का है, माइनस यहां माइनस 3350 और प्लस का कितना आ गया 6700, यहां क्या आ गया नील 0, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 3 गए 9 और 950 हो, ठीक है। प्लस का आया यहां पर क्योंकि ये दोनों प्लस के थे और यहां माइनस का 950 रुपये आएगा, ठीक है, यहां कितना आएगा 950 रुपये माइनस का, क्योंकि 650 रुपये यहां प्लस का और 950 यहां माइनस का आ गया, प्लस वाला क्रेडिट हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 3350 माइनस 2405 950 रुपये यहाँ पर ठीक आ रहा है हमारा, ठीक हो गई बात। तो ये था आज का टॉपिक, अब इसमें मैंने जितने भी डिफिकल्टी लेवल थी, जो भी क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था कि आपको करवाने चाहिए, ठीक है, वो मैंने करवा दिए। आज के लिए इतना ही, आपने वीडियो देखी अच्छे से ध्यान से, इसलिए इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और इस चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी इस लॉकडाउन के बाद वीडियोस आप मैं अपडेट करता रहूं, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया अगर अच्छी लगे तो, अच्छा उत्साहवर्धन होता है हमारा, ठीक है। और आप लोगों के कोऑपरेशन से 300 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, कोशिश करो और हो ताकि हम आगे फ्यूचर में लाइव क्लासेस भी दे सके, ठीक है। जैसे पेपर आएंगे तो उस टाइम 4-4, 5-5 घंटे की लाइव क्लासेस दे दी जाएंगी ताकि आप क्या कर सके, अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। धन्यवाद।